अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर शहीर। मैं इस वक्त मौजूद हूं बड़ी ही खास जगह पे और इस जगह का नाम है फुलवारी रेस्ट हाउस। ये फुलवारी का मकाम जो है ये सून वैली के अंदर आता है। सून वैली पाकिस्तान का वो खूबसूरत इलाका है जहां तक आम लोगों की इस तरह रसाई नहीं है, लोग कम आते हैं। कुछ सड़कों के बायस भी ऐसा है, कुछ हमारे यहाँ पर जो पीएफ बेस है उसके हवाले से, रेडार है यहाँ पर, उस हवाले से भी इस वजह से है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं वो इस जगह के दीवाने हो जाते हैं और मैं भी हो चुका हूँ, इसलिए कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ मनाजर नजर आ रहे हैं, पीछे एक तो आपको मेरे पहाड़ियां जो नजर आ रही होंगी, ये मुझे लगता है ऐसे कि जो बलूचिस्तान की पट्टी के साथ वो शुरू में जहाँ से आगाज हो रहा होता है, इस नोयत की पहाड़ियां होती हैं। एक पहले हरा भरा जंगल सा अंदाज है, आगे देखिए चटियल पहाड़ नजर आ रहे होते हैं और इसके साथ एक मंजर मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ और वो है वो खूबसूरत झील। वो देखिए यहाँ पर कैसी नायाब, क्या प्यारी, क्या खूबसूरत झीलें हैं। यहाँ पर साइबेरियन परिंदे आते हैं, वो यहाँ आकर अपना बसेरा करते हैं और ये आजकल के दिनों में यहाँ मौजूद होते हैं। मैं इन परिंदों के पास जाऊँगा, इनसे बात करूँगा, आपसे भी बातें करवाऊँगा इन परिंदों की। पैरेंट्स साहब ने हमें ये आदत डालती है कि परिंदों से बातें करनी चाहिए, तो हम करेंगे। और बाकी यहाँ पर जो है ये आपको हवा बाकायदा, जैसे होता है ना हवा के गौल आ रहे हो, ये इस नोयत की हवा आती है कि एकदम रुक जाएगी, अचानक ही पूरा गौल आ रहा है। जैसे परिंदों का गौल आता है, यहाँ हवा का गौल आता है और इसलिए ये मंजर इंतहाई दिल भरे हुए। ये साथ साथ मंजरनामा बदलता जाता है, इस जानी पहाड़ है, सूसकेसर है और हमारा हेलीपैड है। तो ये एक दिलचस्प और मुनफरद तजर्बा रहा है, मज़ा आया है यहाँ पर आकर। अगर आप लोगों को इत्तफाक हो तो ज़रूर आइएगा, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारा क्रेडिट मैं मिस्टर अब्बास को दूंगा, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, कि जिन्होंने ये मशवरा दिया और ये सारे इकदाम कर दिए और उनकी वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। थैंक यू।